भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मिल रहे निःशुल्क राशन को एक साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसके संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा द्वारा जितने भी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन मिल रहा था उसको भारत सरकार ने घोषणा कर अगले एक वर्षों तक बढ़ा दिया है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा वितरण किया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जो भी राशन जिले में बंट रहे हैं वह बिल्कुल निःशुल्क होंगे। उन्होंने बताया कि जितने भी संचार माध्यम हैं उनके द्वारा जितनी भी दुकानें हैं वहां पर निर्देश के अनुसार पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि राशन कार्ड धारकों को राशन निःशुल्क मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, सरकार द्वारा कार्ड धारकों को एक साल के लिए और मुफ्त राशन कर दिया गया क्या है जी? इसमें भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भी राशन दिया जा रहा है वो एक वर्ष तक निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा इस योजना को जो है क्रियान्वित कर दिया गया है और 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जो भी राशन बंट रहा है जिले में वो सब निःशुल्क होगा। इसकी सूचना जो है विभिन्न संचार माध्यमों से और दुकानों पर भी इसकी पोस्टर जो है जैसे निर्देश थे उस हिसाब से चस्पा करवा दिए गए हैं।